हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में एल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, नाउ अब टाइम है कि हम कुछ और क्वेश्चंस को देखें एल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड से रिलेटेड। तो हम अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों, एक एक करके। तो देखते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन, ए रिएक्ट विद बी आर टू एच न्यू बी। नाउ ये रिएक्ट कर रहा है एम जी हीट और ईथर के साथ, ठीक है बच्चों। फिर सी बनाया, सी ने आपका रिएक्ट किया किससे? ये आपका साइक्लोपेंटेनोन्स के साथ। और यहाँ पर H3O+ सी ने आपका किसके साथ रिएक्ट किया बच्चों? साइक्लोपेंटेनोन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट डी, यहाँ पर डी प्रोडक्ट बना, डी से आपका यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मैंने लिया, ठीक। फिर आपका ई बना, फिर यहाँ पर आपका ओजोनोलाइसिस और ZnH2O करवा के यहाँ पर आपका फिर से साइक्लोपेंटेनोन बना, ठीक है बच्चों। तो आपको बताना है बच्चों, यहाँ पर ए बी सी डी ई क्या है, ठीक है। आपको ये प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करने हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे बच्चों, देखते हैं ध्यान से। काफी सिंपल है बच्चों, एक एक करके हम इस क्वेश्चन को डील करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले अब यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर आपका H3O+ है। अब देखो ये ओजोनोलाइसिस है, ओजोनोलाइसिस इसका क्या हुआ होगा, किस तरीके से यहाँ पर आपका प्रोडक्ट कितना बना बच्चों? एक ही प्रोडक्ट दिया हुआ है। इसका मतलब, इसका जब मैंने ओजोनोलाइसिस करवाया बच्चों, तो आपका क्या होगा बच्चों शायद से ये? अब देखो, अगर मैं इसका ओजोनोलाइसिस करवाऊंगा तो आपका ये वाला प्रोडक्ट आपका ऑप्टेन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका क्या होगा बच्चों? ई, सबसे पहले ई आ गया। नाउ ई, अब डी की रिएक्शन मैंने कॉन्सन H2SO4 के साथ करवाई, मतलब डिहाइड्रेशन करवाया, डिहाइड्रेशन करवाया मतलब H2O का रिमूवल करवाया। तो H2O का रिमूवल करवाने पर आपका क्या होता है बच्चों? डबल बॉन्ड क्रिएट होता है। कौन सा बॉन्ड क्रिएट होता है बच्चों? डबल बॉन्ड क्रिएट होता है। तो H2O का रिमूवल करवाने पर आपका यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट होता है। तो आपने यहाँ पर OH किया, ठीक है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से डील कर लिया। देखो अब यहाँ पर अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया होता तो यहाँ पर OH2+ ये आपका बाहर निकलता और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड क्रिएट होता, ठीक है। नाउ सी ऑप्शन, अब सी सी के पास चलते हैं। तो सी के पास अब देखो, यहाँ पर दो साइकिल आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर एक साइकिल है। अब सबसे पहले सी के पास ऐसा क्या कंपाउंड बनेगी जो आपका ये वाला कंपाउंड बन जाए? तो अब ध्यान से देखेंगे तो देखो, यहाँ पर अगर मैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट लेता हूं, कौन सा? ग्रिगनार्ड रिएजेंट। यहां पर ग्रिगनार्ड आपका बनेगा। देखो OH आपका किसकी वजह से बनेगा? O- की वजह से। OH आपका किसकी वजह से बनेगा बच्चों? यहां पर O- की वजह से। तो ध्यान से देखेंगे, अगर आपका सी कंपाउंड अगर आपका ऐसा हो, ठीक है, MgBr, ठीक है। नाउ अब आप देख सकते हैं बच्चों यहां पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका कंपाउंड कैसा होगा। अब ये अगर इसके साथ अगर आप ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। देखते हैं एक एक बार करके। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैंने इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाई तो क्या होगा बच्चों? देखो यहाँ पर मैंने ये करवा दिया रिएक्शन, MgBr के रिएक्शन इसके साथ करवाओ। इसके साथ करवाने पर आपको यहाँ पर प्रोडक्ट का वो एनालिसिस आपका हो जाएगा। अब यहां पर करवाने पर आपका रिएक्शन में इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा और जिस टाइप का हमको रिक्वायरमेंट है उसी टाइप का बनेगा, O-MgBr। और यहां पर फिर से आपका साइक्लोपेंटेनोन का रिंग आ जाएगा। और फर्दर में अगर इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा बच्चों? ध्यान से समझेंगे, यहां पर आपका OH सिंगल बॉन्ड और यहां पर आपका ये वाला प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। फिर हम डिहाइड्रेट करा के वाला प्रोडक्ट ऑप्टेन कर सकते हैं। तो इसका मतलब आपका सी कंपाउंड क्या है बच्चों? ये हो गया, ठीक है। अब बी की ओर मूव करते हैं। बी में क्या होता है? एमजी और आपका ईथर है, तो मतलब मैग्नीशियम आपका बीच में आ जाएगा फ्री रेडिकली पाथ्स के थ्रू, ठीक
ठीक है, तो फ्री रेडिकली पाथ के थ्रू अगर एमजी अगर आपका बीच में आ गया तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, यहां पर आपका इस तरीके का प्रोडक्ट होगा, मतलब ये आपका होगा। अब देखो यहां एमजी का रिएक्शन कराएंगे तो यहां एमजी भी आ जाएगा। नाउ अब हम समझते हैं यहां पर ए प्रोडक्ट आपका क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। ए का बी आर टू एच न्यू, मतलब आपका यहां पर ब्रोमिनेशन करवाया गया। क्या करवाया गया बच्चों, ब्रोमिनेशन। तो एक एक करके एनालिसिस करेंगे तो ब्रोमिनेशन करवाया गया, तो अगर मैं इसका ब्रोमिनेशन कराऊंगा तो सीधा आपका ये वाला प्रोडक्ट ऑप्टेन हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके पहले एक और बार हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो पहले में क्या किया बच्चों, हमने ब्रोमिनेशन कराया, अगर मैं इसका ब्रोमिनेशन कराऊंगा तो ये आपका ऑप्टेन होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, अगर मैं इसका ब्रोमिनेशन कराऊंगा तो ये ऑप्टेन होगा, अगर मैं इसकी रिएक्शन एमजी एमजी और इथर के साथ कराऊंगा तो ये आपका ऑप्टेन होगा। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। देन आफ्टर इसका रिएक्शन अगर मैं इस कीटोन के साथ कराऊंगा तो आपका क्या होगा बच्चों, यहां पर इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, और इसी का मैं अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंट में डिहाइड्रेशन कराऊंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड आ जाएगा। देन आफ्टर इसका ओजोनोलाइसिस कराऊंगा तो आपको यहां पर फिर से साइक्लोपेंटेनोन की रिंग आ जाएगी। और ध्यान देना, अगर आपका ओजोनोलाइसिस में जब भी एक ही प्रोडक्ट दिया हो, ध्यान से सुनना बच्चों, जब भी आपको एक ही प्रोडक्ट दिया हो तो कोशिश करना कि वो दोनों प्रोडक्ट आपके डबल बॉन्ड के सिमेट्रिकली उसको ऐड कर दो। ठीक है, डबल बॉन्ड के सिमेट्रिकली ऐड कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर एक प्रोडक्ट आपको तभी देगा जब दो प्रोडक्ट आपके सेम बनेंगे, ओजोनोलाइसिस से आपके दो प्रोडक्ट बनेंगे। अगर दोनों प्रोडक्ट डिफर होते तो हम ऐसा नहीं बनाते, यहां पर एक ही प्रोडक्ट दिया है तो इसीलिए हमने यहां पर सिमिलर प्रोडक्ट को ले लिया है। ठीक है, आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। एक बार आप इसके देखो, जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप उल्टी डायरेक्शन से भी अप्रोच करना चाहिए और यहां से दोनों डायरेक्शन से अप्रोच करते हुए चलना चाहिए। और कोशिश करो अगर आपका लास्ट आपका प्रोडक्ट दिया हो तो हमेशा कोशिश करो उल्टी डायरेक्शन से अप्रोच करने की, ताकि आप आंसर तक जल्दी से जल्दी पहुंच सको। ठीक है, आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों अब हम अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहां पर बताता हूँ बच्चों, यहां पर ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, ये आपका साइक्लिक ईथर है। अब आपको इसके साथ रिएक्शन कराना है। ठीक है, एम जी बी आर एच थ्री ओ प्लस और एच, ठीक है, मतलब एच टू ओ एच थ्री ओ प्लस, हाँ एच टू ओ मतलब हाइड्रोलाइसिस कराना है। अब आप कैसे कराओगे बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे? डील करने का सबसे सिंपल तरीका है, सबसे पहले आप है ना एक बार है ना यहां पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को देखो। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आपका क्या है बच्चों, यहां पर साइक्लिक ईथर। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आपका क्या है बच्चों, साइक्लिक ईथर। अब आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल साइक्लिक ईथर है तो यहां पर आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा। ये आपका कौन सा रिएक्शन शो करेगा, न्यूक्लियोफिलिक। यहां पर सबसे पहले आप लोग आइडिया लगा लिया करो बच्चों कि आपका कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म होने जाने वाला है। ठीक है, उससे आपको काफी हद तक इजी होगा क्वेश्चन सॉल्व करना। तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को सॉल्व शो करेगा। अब देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करेगा तो न्यूक्लियोफाइल आपका कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल आपका वहां अटैक करेगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, अगर मैं यहां पर पॉजिटिव चार्ज बनाता तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को क्या कर देते बच्चों, कम कर दिया करते। तो यहां पर आप देखो, यहां पर अटैक में इस तरफ कराऊंगा। अब हम समझ गए कि अटैक हमको किस तरफ कराना है। तो यहाँ पर CH3MgBr और यहाँ पर H3O+। तो फर्स्ट अटैक तो मैं CH3MgBr का कराऊंगा। देखो ये माइनस है, ये यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ से ये वाला रिंग खुलेगा। अब जैसे ही आपका ये वाला रिंग खुला यहाँ से तो यहाँ पर O-MgBr आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, काफी इजी कंसेप्ट है बच्चों। यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, CH3। नाउ अब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करवाऊंगा तो आपका क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से, यहां पर OH, यहां पर आपका क्या बन जाएगा, CH3। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों,
एक दो बार अगर आप इन्हें कोशिश करोगे तो आपको आने लग जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों, डरना नहीं है क्वेश्चन नंबर थर्ड से बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन है। सी एल, यहां पर भी आपका सी एल, यहां पर भी आपका सी एल, यहां पर इस तरीके का कंपाउंड मैंने बना दिया। ठीक है, ये भी आपका सी एल, ये भी आपका सी एल। अब इसकी रिएक्शन आपको एक्वस के ओ एच, ठीक है, एक्वस के ओ एच, एक्वस के ओ एच मतलब आप समझना बेटा, अगर यहां पर आपका एल्कोहलिक के ओ एच अगर आपका दिया होता, आपको प्रोडक्ट बताना है, एल्कोहलिक के ओ एच अगर आपका दिया होता बच्चों तो आपका एलिमिनेशन होता। यहां पर क्या दिया हुआ है, एक्वस के ओ एच मतलब ओ एच माइनस, ओ एच माइनस, यहां पर कौन सा रिएक्शन होगा बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहां पर क्या होगा बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन बिहेव करेगा, OH माइनस। अब चाहे आपका SN1 हो और SN2 हो, दोनों आपका ब्रिजहेड कार्बन पे नहीं होता, दोनों आपका कौन से कार्बन पे नहीं होता बच्चों, ब्रिजहेड कार्बन पे, तो इसको एनालिसिस करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बच्चों आपका एक होगा SN1, एक होगा SN2, दोनों आपके ब्रिजहेड कार्बन पे नहीं होते, तो ये वाला आपका क्लोरीन टूटेगा नहीं, ये वाला क्लोरीन आपका टूटेगा नहीं। अब ये ब्रिजहेड कार्बन पे क्यों नहीं होते, क्योंकि SN1 में जो आपका इंटरमीडिएट बनता है वो आपका sp2 होता है, SN1 में जो इंटरमीडिएट बनेगा वो आपका कौन सा हाइब्रिड होता है बच्चों, sp2, और SN2 में जो आपका ट्रांजिशन स्टेट बनेगा वो आपका कौन सा हाइब्रिड होता है बच्चों, sp2। देखो, और sp2 हाइब्रिड वाले स्ट्रक्चर क्या होते हैं बच्चों, आपके प्लैनर होते हैं। ठीक है, sp2 हाइब्रिड वाले स्ट्रक्चर आपके क्या होते हैं, प्लैनर, इसलिए ब्रिजहेड कार्बन पे तो नहीं होगा। और साथ साथ अब आप लोग समझ रहे होंगे कि अलाइलिक पोजीशन पे भी नहीं होगा, सॉरी विनाइलिक पोजीशन पे भी आपका नहीं होगा रिएक्शन, तो यहां पर भी आपका बॉन्ड आपका टूटेगा नहीं। ये दोनों बॉन्ड आपके क्यों नहीं टूटेंगे बच्चों, क्योंकि यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब आपके पास कितने सीएल तोड़ने को बचे बच्चों, देखने में काफी काफी टफ क्वेश्चन लगा था बच्चों ये, लेकिन यहां पर आपके कितने सीएल बचे बताओ बच्चों, यहां पर आपके कितने सीएल बचे, ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहां पर आपके चार सीएल, अब रिएक्शन को यहां पर सीएल हटेगा, यहां पर क्या आएगा, ओएच माइनस आएगा। तो देखते बच्चों, यहां पर काफी इजी है तो मैं इसका प्रोडक्ट बनाता हूं, यहां पर सीएल, यहां पर सीएल, यहां पर इस तरीके से, यहां पर आपका सॉरी ये वाला थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, इसको देख लेते, ये आपका यहां पर सी एल, यहां पर सी एल की जगह क्या जाएगा बच्चों, ओ एच, यहां पर भी क्या जाएगा, ओ एच। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर इस तरीके का था आपका, यहां पर भी क्या जाएगा, ओ एच, यहां पर भी क्या आ जाएगा, ओ एच, यहां पर क्या आ जाएगा, सी एल, और यहां पर क्या आ जाएगा, सी एल। अब देखो, एक कार्बन पे दो ओ एच आपका क्या होता है बच्चों, अनस्टेबल होता है, तो एक कार्बन पे दो OH अगर आपका अनस्टेबल होगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, देखो ये आपका CL, ये आपका CL, यहां पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड हो। ठीक है, एक कार्बन पे दो OH अगर अनस्टेबल होता है तो उसमें से क्या करते हैं हम, H2O मॉलिक्यूल को लॉस उसको करते हैं, H2O मॉलिक्यूल को हटा देते, तो H2O मॉलिक्यूल को हटाएंगे तो वहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे इसके बाद बच्चों, इसके बाद यहां पर आपका ओ एच, यहां पर आपका ओ एच, यहां पर सी एल, यहां पर सी एल, दिस इज अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। देखो काफी इजी कंसेप्ट था, बस प्रोडक्ट देखने में लग रहा, यहां पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल देखने में लग रहा था कि काफी टफ है, लेकिन बच्चों ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप अप्रोच करने की कोशिश करोगे तो आपको सारे क्वेश्चन इजी लगने लग जाएंगे। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा, काफी इजी कंसेप्ट है बच्चों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, ध्यान से समझेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर है बच्चों, ये आपका रिंग बनाया, यहां पर ये, यहां पर B
बी आर। अब देखो यहां पर C2H5OH, ठीक है बच्चों, यहां पर आपको प्रोडक्ट बताना है। अब देखो प्रोडक्ट आपको कैसे निकालोगे बच्चों, यहां पर सबसे पहले यहां पर क्या आपको टेम्परेचर दिया है, सबसे पहले तो यहां पर क्या आपको टेम्परेचर दिया है, देखो यहां पर आपका 3 डिग्री हैलाइड है, 3 डिग्री हैलाइड है तो SN2 आपका होगा नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल SN2 आपका होगा नहीं, यहां पर एनालिसिस करते हैं, 3 डिग्री हैलाइड है तो SN2 आपका होगा नहीं। अब आपके पास क्या बचा बच्चों, E1, E2 और E3, E1, E2 और SN1, ठीक है। E2 के लिए आपको स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, अब ये स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आपका आता नहीं है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस मैंने आपको लिखा रखे ना बच्चों, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आपका आता नहीं है। अब बचा हमारे पास क्या, E1 और SN1। E1 आपका क्या होगा, टेम्परेचर सेंसिटिव रिएक्शन है, तो वो टेम्परेचर जब आपका आएगा तब आपका कौन सा रिएक्शन होगा बच्चों, आपका E1 होगा। अब बचा कौन सा, आपके पास एक ही चॉइस बची बच्चों, अब यहां पर SN1 रिएक्शन। अब देखो SN1 रिएक्शन में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में आपका कार्बोकैटायन बनता था, तो यहां पर अब आपका क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, यहां पर अब आपका कार्बोकैटायन बना। अब ये कार्बोकैटायन देखो रिंग वाले कार्बन से जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे अगर आपका कार्बोकैटायन होगा तो आपका क्या होगा, रिंग ओपनिंग होगी, रिंग ओपनिंग होगी, फिर आपका रिंग एक्सपांशन होगा, रिंग आपका बढ़ेगा, रिंग यहां पर इंक्रीज करेगा, तो ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ जाएगा, ठीक है। अब इसको समझते, देखो ये प्लस होगा तो ये आपका 100% माइनस होगा, और यहां पर ये क्या होगा, प्लस होगा। नाउ अगर मैं रिंग को ओपनिंग करूंगा तो यहां पर देख लेते, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कोशिश करो बच्चों हमेशा आप लोग ना नंबरिंग दो, नंबरिंग अगर करोगे तो आपका रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन करने में काफी इजी, काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप देखो वन पे दो ग्रुप लगे हुए और टू पे आपका कार्बोकैटायन है, ठीक है। नाउ अब यहां पर जो कार्बोकैटायन है वो आपका कितना है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, यहां पर आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब देखो 2 डिग्री कार्बोकैटायन क्या आपका रीअरेंज हो सकता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन में, हाँ। यहां पर आपका मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप शिफ्टिंग मतलब बाय मिथाइल शिफ्टिंग के थ्रू बच्चों क्या होगा, ये आपका रीअरेंज हो जाएगा, ये आपका रीअरेंज हो जाएगा, यहां पर CH3+ यहां पर इस टाइप का हो जाएगा। नाउ अब हम देखेंगे कि अगर मैं यहां पर C2H5OH कर दूं तो यहां से कौन सा आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा बच्चों, C2H5O-। अब ये न्यूक्लियोफाइल आपका जुड़ जाएगा यहां पर और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी कंसेप्ट है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को डील करना है, ठीक है बच्चों। ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, काफी इजी क्वेश्चन है, और जो जो मैंने कंसेप्ट बताया उसी कंसेप्ट को अगर आप अप्लाई करते हुए जाओगे तो आपको सबसे पहले समझ में आ जाएगा। और सबसे पहले एक और बार इसमें जो मुद्दे वाली बात है, यहाँ पर E2 आपका हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि E2 के लिए क्या चाहिए बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। E1 आपका नहीं होगा क्योंकि उसके लिए टेम्परेचर चाहिए, और टेम्परेचर कितना चाहिए बच्चों, 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहां पर SN1 आपका होगा, ठीक है, SN1 क्यों होगा बच्चों, क्योंकि पोलर प्रोटिक है ना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो SN1 होगा। और SN2 के लिए आपको क्या चाहिए बच्चों, यहां पर आपको अगर C2H5O- और Na+ होता तो आपका SN2 होता, लेकिन उसकी कैटेगरी भी क्या होनी चाहिए, यहां पर 1 डिग्री हैलाइड होना चाहिए। तो ये तीनों आपके क्यों नहीं हुए, ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप कि आपको ये तीनों मैकेनिज्म यहां पर क्यों नहीं लगाई, यहां पर मैंने SN1 लगाई, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों, काफी इजी इजी क्वेश्चन है बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपने लॉजिक पकड़े तो आई होप कि आपको आगे जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही सबसे ज्यादा आसान लगे, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अगर मैंने ये कंपाउंड लिया, देखो ये आपको आता होगा, ये वाला क्वेश्चन आपको आता होगा, और इससे आपको काफी हद तक रिवीजन भी होगा, ठीक है।
बाद इसका आपने अगर एसीटोन के साथ रिएक्शन कराया, किसके साथ बच्चों, एसीटोन के साथ अगर मैंने हाइड्रोलाइसिस कराया, ठीक है, फिर यहाँ पर हीट किया, फिर मैंने इसका रिएक्शन एनबीएस के साथ कराया, किसके साथ कराया, एनबीएस के साथ, और फिर इसका रिएक्शन मैंने एजी2ओ के साथ करवाया, ठीक है, फिर मैंने इसका रिएक्शन ओजोनोलाइसिस कराया इन प्रेजेंस ऑफ ZnH2O, ठीक है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या मिला, ए और एफ, ठीक है, यहाँ पर मॉइस्चर Ag2O है बच्चों, कौन सा है, मॉइस्चर Ag2O। अब एक-एक करके देखो, पिछली बार आपको जो क्वेश्चन था बच्चों, फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें आपको प्रोडक्ट दिया हुआ था, इसलिए हमने उल्टा चला, अब यहाँ पर आपको सब्सट्रेट मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो अब हमको कैसे चलना है बच्चों, सीधा चलना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो पहला है, पहला आपको क्या बताता है बच्चों, प्रिपरेशन मेथड ऑफ ग्रिगनार्ड, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिगनार्ड, आपको पहले प्रोसेस में आपको पता पड़ गया होगा कि यहाँ पर ग्रिगनार्ड का प्रिपरेशन होगा, तो यहाँ पर आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आपका ग्रिगनार्ड का प्रिपरेशन होगा, तो आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पर MgBr इस तरीके से आ जाएगा। सेकेंड स्टेप में MgBr है, इसको मैं इस तरीके से लिख दूं बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा, इस तरीके से मैंने लिख दिया इसको, ठीक है, ताकि मैं अगले रिएक्शन, नेक्स्ट में इस पीएच एमजीबीआर का रिएक्शन आपको इसके साथ कराना है, तो किस तरीके से होगा, देखो पीएच एमजीबीआर का रिएक्शन अगर आपको उससे करवाना है, तो यहाँ पर कौन सा रिएक्शन होगा बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, आप देखो ये यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ खुलेगा, तो आपका क्या होगा बच्चों, CH3CPHCH3O-MgBr, आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। देन फर्दर यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस भी दिया हुआ है, अब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आपका क्या जाएगा, OH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर आपका PH। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेम्परेचर दिया हुआ है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पर डेल्टा दिया हुआ है तो इसका मतलब आपको क्या कराना है, डिहाइड्रेशन कराना है। अब डिहाइड्रेशन आप कैसे कराओगे बच्चों, देखो यहां से ये अल्फा और बीटा पोजीशन से आप इसी को निकालोगे, इसी हाइड्रोजन को निकालोगे, यहां पर क्या हो जाएगा, बीटा एलिमिनेशन होगा। अब बीटा एलिमिनेशन होगा तो आप यहीं से आप क्या निकालोगे, हाइड्रोजन निकालोगे, अगर यहां से तो आप निकाल नहीं सकते क्योंकि ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, इसको पीएच को मैं अभी रिंग बनाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखो अगर मैंने यहां से एच निकाला तो यहाँ डबल बॉन्ड, या फिर मैंने यहां से एच निकाला तो यहाँ डबल बॉन्ड, और ये पूरा डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, तो इसलिए हम यहां से भी निकाल सकते हैं और यहां से भी निकाल सकते हैं, दोनों हमारी चॉइस रहेगी, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा बच्चों, यहां पर ध्यान से समझेंगे, यहां पर बनेगा CH3C डबल बॉन्ड CH2, और मैं बेंजीन की जगह पीएच वापस लिख देता हूं, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अगला रिएक्शन क्या है, एनबीएस, एनबीएस का मतलब ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन करवाएंगे। अब ब्रोमिनेशन एट अलाइलिक, अलाइलिक पोजीशन, मतलब अलाइलिक पोजीशन पे हमको ब्रोमिनेशन कराना है, या फिर बेंजाइलिक भी बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं बच्चों, बेंजाइलिक। अब देखो यहां पर अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन, यहां पर अलाइलिक पोजीशन ही है बच्चों, बेंजाइलिक पोजीशन तो यहां पर नहीं है, तो यहां पर अलैलिक पोजीशन ये आपका होगा। अब जैसे ही ये आपका अलैलिक पोजीशन होगा, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये आपका फ्री रेडिकल पाथवे को फॉलो करता है, कौन से पाथवे को बच्चों, फ्री रेडिकल पाथवे को फॉलो करेगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर आपका CH2Br C डबल बॉन्ड CH2, यहां पर पीएच आ गया, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, ठीक है, ये आपका Br। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन Ag2O मॉइस्चर, अब मैंने आपको कहीं एग्जाम्पल में बताया था सब्स्टिट्यूशन और वो एलिमिनेशन के एग्जाम्पल में कि Ag2O अगर मॉइस्चर होगा तो आपका क्या बनता था, ROH, अगर आपका Ag2O बिना मॉइस्चर के होता तो आपका क्या बनता, ईथर बनता, ठीक है, जब आपका क्या होता बच्चों, ड्राई Ag2O, ठीक है, तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि हेलाइड का क्या होगा बच्चों, OH में कन्वर्जन होगा। तो यहां पर मैंने Ag2O मॉइस्चर लिया, तो हेलाइड आपका किस में कन्वर्ट होगा, OH में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पर CH2 C डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, PH। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देन आफ्टर अगर मैं इसका ओजोनोलाइसिस कराऊंगा तो यहाँ पर बॉन्ड आपका टूटेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, देखो OH CH2 C डबल बॉन्ड O PH, और साथ में
CH2 डबल बॉन्डो, ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ये आपका हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। और यहाँ पर अल्कोहल को और यहाँ पर फिनाइल ग्रुप, तो यहाँ पर आपका कौन सा कीटोन ग्रुप बन जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे नेमिंग, अब हम इसका कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पर एसिटोफिनोन मतलब वन हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन ग्रुप बन जाएगा, क्या बन जाएगा वन हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। बेटा अगर आपको प्रोडक्ट दिया हुआ होता तो प्रोडक्ट के हिसाब से हम पीछे की ओर मूव करते, अभी यहाँ आपको क्या दिया हुआ है बच्चों सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के हिसाब से हम कहाँ मूव करेंगे रिएक्शन में आगे की ओर, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इजी इजी क्वेश्चन है बच्चों, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, विच कीटोन डज नॉट रिएक्ट विद CH3MgBr, मतलब कौन सा आपका कीटोन ऐसा होगा जो आपका CH3MgBr के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है बच्चों काफी अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम इसको, CH3CO CH3, ठीक है। अगला बी ऑप्शन, ये आपका बेंजीन बना दिया मैंने, यहाँ पर मैंने CH3, यहाँ पर मैंने CH3, यहाँ पर CO, यहाँ पर CH3CH3CH3, ठीक है। सी ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर सी ऑप्शन, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3, ठीक है बच्चों काफी इजी क्वेश्चन है। अब देखो PHCOCH3, अब देखो यहाँ पर आप किस तरीके से क्वेश्चन को डील करोगे, ठीक है। अब कीटोन के साथ अगर आपका CH3MgBr रिएक्ट करेगा तो कौन सा रिएक्शन शो करेगा बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करेगा। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करेगा तो कैसे होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे। अब देखो न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है बच्चों, ज्यादा होती है। न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होगी बच्चों, हाई होगी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब देखो यहां पर अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहां पर इसको, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर दूर है, रिपल नहीं कर पाएंगे। जैसे ही यहां अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल अगर आपका, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, यहां पर भी आपका बल्की ग्रुप है, यहां पर भी आपका कौन सा ग्रुप है, बल्की ग्रुप है, दोनों साइड आपका कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है बच्चों, बल्की ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आपका क्या होगा बच्चों, सबसे ज्यादा होगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक नहीं कर पाएगा। तो पहला मुझे मिल गया कि ये आपका रिएक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट, अगर न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, CH3- अटैक करेगा तो यहां पर भी आपका क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर अप्लाई होगा। यहां पर भी आपका कौन सा ग्रुप है बच्चों, ये बल्की ग्रुप है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन यहां पर ज्यादा होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होगा, तो इस वजह से ये भी आपका रिएक्ट नहीं करेगा। और यहां अगर अटैक करेगा तो यहां पर आपका CH3- अटैक कर सकता है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आपका उतना ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आपका इसमें और इसमें होगा, तो सिंपली बोल सकते हैं अगर ये आपका 3 डिग्री हुआ, अगर ये आपका 3 डिग्री हुआ मतलब 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, तो इस तरीके से आपके ग्रुप कभी भी आपके क्या नहीं शो करेंगे बच्चों, ये आपके कभी भी आपका CH3MgBr के साथ रिएक्शन शो नहीं करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको 2-3 बार देख के जाना पड़ता है, ठीक है बच्चों 2-3 बार इस क्वेश्चन को देख के जाइएगा बच्चों, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक एक बार आप इस क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 7, PHOH, ठीक है, CH3CHO, ठीक है। नेक्स्ट आपका RC ट्रिपल बॉन्ड CH
और लास्ट में आपका CH3COCl, ठीक है, ये आपका PQRS। आपका क्वेश्चन क्या है, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवार्ड CH3MgBr। मतलब आपका क्वेश्चन क्या है, CH3MgBr के टुवार्ड आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको बताना है, तो आपकी किस तरीके से डील करोगे बच्चों बताओ। देखो आपका CH3MgBr यहां पर ध्यान से समझेंगे, यहां पर आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, यहां पर आपका कौन सा हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है, यहां पर आपका कौन सा है, एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है, तो दो आपके एसिडिक हाइड्रोजन है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि रिएक्टिविटी हमेशा सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन के साथ आपका रिएक्ट करेगा CH3MgBr, एसिडिक हाइड्रोजन के साथ करेगा, उसके बाद आपका क्या शो करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहला यहां पर क्या आएगा बच्चों, दोनों में से कौन आपका ज्यादा एसिडिक है, कौन है बच्चों, पी आपका ज्यादा एसिडिक है, तो पी के साथ रिएक्शन आपका पहले होगा, ठीक है, सबसे पहले आपका किसके साथ होगा बच्चों, पी के साथ, और पी के बाद आपका किसके साथ होगा, आर के साथ, ठीक है। नाउ ये तो आपको समझ में आ गया। अब यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर दो ऑप्शन है, क्या ये आपका असाइल हैलाइड और ये आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को मैं ऐसे बना लेता हूं बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो यहां पर ये क्या शो करेगा, -I, तो यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहां पर जैसे ही ये वाला बॉन्ड आपका खुलेगा, यहां पर भी ये वाला बॉन्ड खुलेगा, तो यहां पर पार्शियल प्लस आएगा, यहां पर -I होने की वजह से पार्शियल प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। अब यहाँ पार्शियल प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर यहां पर इंक्रीज होगा तो इससे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ये आपका, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वहां ज्यादा होता है जहां पर पार्शियल प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड आपका क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम होता है। तो यहां पर इसके बाद क्या आ जाएगा, एस, इसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों, क्यू। आई होप कि आपको ये ऑर्डर समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एक दो बार और आपको करने चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर, क्वेश्चन नंबर 8 को हम समझते हैं। अब हम यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब आपको इसमें बताना है ऑर्डर बच्चों, देखो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, ये आपका इस तरीके से है, यहां पर SOCl2PY, ठीक है, यहां पर आपका क्या है बच्चों, Mg ईथर, ठीक है। नाउ अब अगला क्या है बच्चों, अब यहां पर आपका इस तरीके से आपका क्या बना हुआ, इपोक्सी, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस। अब आपको क्या बनाना है बच्चों, यहां पर प्रोडक्ट बताना है, ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे बच्चों देखते हैं एक एक करके। देखो SOCl2 और PY आपका क्या है बच्चों, ये मैंने आपको बताया था, SN2 रिएक्शन शो करेगा, ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल है, तो यहाँ पर SN2 रिएक्शन शो करेगा, तो पहला आपका क्या होगा बच्चों, पहला आपका यहाँ पर Cl बन जाएगा ऐसा, ठीक है, Cl बन जाएगा, यहाँ तक तो अब आपको आ गया। अब Mg अगर ईथर के साथ कराएंगे तो क्या बनता है बच्चों, यहाँ पर Mg ईथर के साथ कराएंगे तो इसमें ग्रिगनार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर मैंने Mg Cl ग्रिगनार्ड का फॉर्मेशन करा लिया, ठीक है। नाउ अब ये आपका क्या है, साइक्लिक ईथर, ठीक है, अभी आपका क्या है बच्चों, साइक्लिक ईथर। अब साइक्लिक ईथर के साथ ये कैसा रिएक्शन शो करेगा, ग्रिगनार्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, अब ये कहाँ अटैक करेगा, जहां पर आपका पॉजिटिव प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड आपका क्या होना चाहिए बच्चों, ज्यादा होना चाहिए, तो अभी आपका यहां अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड आपका खुलेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ध्यान से, यहां पर आपका इस तरीके से O-MgCl आ गया, और यहां पर आपका ये वाला बॉन्ड आपका उससे जुड़ेगा, तो ये वाला बॉन्ड जुड़ गया, नाउ इससे ये, फिर आपका इस तरीके से, ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, देखो अगले स्टेप में अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा
तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे। हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इस तरीके से आपका OH और यहाँ पर दो प्रोडक्ट। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी काफी समझ में आया होगा, काफी इजी क्वेश्चन है। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 8। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन को नोट डाउन करते रहिए बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों आपका, MeCOCl। ठीक है, Me, ठीक है, यहाँ पर मैं बताता हूँ, MeCOH और यहाँ पर MeCOOET। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज द सेकेंड ऑप्शन, दिस इज द थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी टुवार्ड RMGX। मतलब फिर से आपको ग्रिगनार्ड के टुवार्ड आपको रिएक्टिविटी बताना है। अब ग्रिगनार्ड के टुवार्ड रिएक्टिविटी बताना है तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन कंटेन करने वाला कंपाउंड है। इसमें कोई भी आपका एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। इसमें तीनों में आपका कौन सा रिएक्शन होगा, तीनों में आपका यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो यहां पर आपको केवल और केवल क्या देखना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब देखो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। तो देखो ये वाला बॉन्ड खुलेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ खुलेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ खुलेगा। अब देखो यहाँ पार्शियल प्लस, यहाँ पार्शियल प्लस, यहाँ पार्शियल प्लस, ये आपका माइनस आई है। ये आपका क्या करेगा, ये आपका इस प्लस को रेजोनेंस स्टेबलाइज कर देगा। यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा आपका प्लस चार्ज। आपका प्लस चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। यहाँ पर माइनस आई होने की वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, प्लस चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ा देगा। तो अगर मैं इसका ऑर्डर लिखना चाहूं तो फर्स्ट आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। उसके बाद किसका होगा बच्चों आपका, सेकंड, सेकंड के बाद किसका होगा बच्चों आपका, थर्ड का। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 9। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बच्चों। तो अब हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 को आपको सोल्व करना है। देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या दिया हुआ है बच्चों। ये आपका CH3, यहां पर आपका COOCH3, यहां पर आपका CH2 COOCH3। ठीक है बच्चों, इसकी रिएक्शन आपको PHMGBr के साथ कराना है और आपको हाइड्रोलाइसिस भी कराना है। अब देखो हाइड्रोलाइसिस तो छोड़ो, हाइड्रोलाइसिस आपका हो जाएगा जब आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का आइडिया हो जाएगा। और साथ साथ ध्यान रहे कि यहाँ पर आपको वन इक्वलेंट दिया है। ठीक है, आपको प्रोडक्ट भी बताना है। ठीक है, देखो अब सबसे पहले यहाँ पर आपको दो कंपाउंड दिख रहे होंगे बच्चों। यहाँ पर आपको रिएक्शन के लिए कितने कंपाउंड दिख रहे हैं बच्चों, दो कंपाउंड। एक तो आपको ये दिख रहा है ईस्टर, ठीक है, एस्टर दिख रहा है, ये भी आपका एस्टर दिख रहा है। देखो दोनों इक्वल है। अब हम देखेंगे कि अगर मैं इस चार्ज, ये वाले बॉन्ड को यहाँ और ये वाले बॉन्ड को यहाँ, तो पॉजिटिव प्लस चार्ज कहाँ मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जहां मैग्नीट्यूड आपका पॉजिटिव प्लस चार्ज का ज्यादा होगा बच्चों, वहीं पर आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे पहले होगा। तो देखते हैं बच्चों पॉजिटिव प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड कहाँ मैक्सिमम होगा। यहाँ अगर पॉजिटिव प्लस चार्ज है तो यहाँ पर 3 डिग्री है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव प्लस चार्ज के मैग्नीट्यूड को क्या कर देगा बच्चों, काफी डिक्रीज कर देगा। तो इसका मतलब पीएच आपका कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे। पीएच आपका कौन से कार्बन पे अटैक करेगा बच्चों, यहाँ पर पीएच आपका इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, पीएच आपका इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, देख लेते हैं आप रिएक्शन में। यहाँ पर CH3 COOCH3, यहाँ पर CH2 C, यहाँ पर क्या जाएगा PH OCH3
O माइनस MgBr, ठीक है। नाउ अगले स्टेप में क्या होगा, ये यहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड आपका बाहर खुलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट क्या बना, आपको एक ही मोल लेना था, एक मोल आपने ले चुके हो बच्चों, तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, देख लो, यहाँ पर CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर PH, ठीक है। अगर मैंने एक इक्वलेंट लिया, हाइड्रोलाइसिस यहाँ पर हटा दो, अगर मैं एक इक्वलेंट लूंगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, नीचे आपका कीटोन आ जाएगा और ऊपर आपका ईस्टर रहेगा। आई होप कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगर अगला मोल अगर होगा तो भी आपका कीटोन का हो जाएगा पहले, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन को समझेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या है, ध्यान से समझेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को, ये आपका बेंजीन दिया हुआ है, यहां पर CO OCH3, ठीक है, यहां पर आपका OH, यहां पर इस तरीके से यहां पर भी OH दिया हुआ है, यहां पर आपका NH टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है, और यहां पर आपसे पूछा है XPHMgBr, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। अब एक्स की वैल्यू कैसे बताओगे, आपको कितने मोल आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यहां पर यूज हुआ है वो आपको देखना है। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे। देखो सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का काम क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन को लेना। देखो ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन है एक, ये आपका दूसरा एसिडिक हाइड्रोजन, ये आपका तीसरा एसिडिक हाइड्रोजन। नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन कितने हो गए, देखो यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन, यहां पर नंबर कितने हो गए, तीन हो गए, तो एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से कितने मोल, 3 मोल ऑफ PHMgBr। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर कौन सा कंपाउंड है, ईस्टर। अब देखो ईस्टर का अगर आपको कंप्लीट आपका रिएक्शन करना है, कंप्लीट रिएक्शन के लिए ईस्टर के लिए कितने मोल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ईस्टर के लिए आपको यहां पर 2 मोल ऑफ PHMgBr की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो टोटल कितने हो गए बच्चों, 5 मोल ऑफ PHMgBr। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, काफी इजी क्वेश्चन था बच्चों ये। आपको सबसे पहले वो एसिडिक हाइड्रोजन को देखना है, उसके बाद आपको यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लगाना है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, एलिमिनेशन होगा एस्टर के केस में बच्चों, ठीक है। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं बच्चों। यहां पर देखो CH3 Br CH3OH, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एज वेल एज एलिमिनेटेड प्रोडक्ट। अब देखो बच्चों यहां पर अब आपको SN1 और SN2 के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि आपको क्या बोला है, सब्स्टिट्यूटेड और एलिमिनेटेड प्रोडक्ट दोनों आपको बताने हैं। तो इसमें कोई आपका रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपका सिंपल है, ठीक है। अब देखो सब्स्टिट्यूटेड कराएंगे तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, और यहां पर अगर मैंने यहां पर एलिमिनेशन कराया तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन में देख लेते हैं हम, यहां पर आपका SN1 होगा, क्यों, क्योंकि ये आपका पोलर प्रोटीक है। तो SN1 के थ्रू अगर मैं जाऊंगा तो यहां पर आपका रेसिमाइजेशन होगा, तो यहां पर एक बार आपका OCH3 यहां लग जाएगा सेम पॉइंट पे, ठीक है, और दूसरा वाला आपका कहाँ लग जाएगा बच्चों, आपका इस पॉइंट पे लग जाएगा OCH3, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये हो जाएगा आपका सिस, और ये हो जाएगा आपका क्या बच्चों, ट्रांस प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं पूछूं यहां पर एलिमिनेशन, एलिमिनेशन कौन सा होगा बच्चों, एलिमिनेशन कौन सा होगा, यहां पर आपका बीटा एलिमिनेशन होगा।
अब देखो यहाँ पर अगर मैंने बीटा एलिमिनेशन कराया, ध्यान से समझिए, बीटा एलिमिनेशन कराना है तो बीटा एलिमिनेशन देखो यहाँ पर आपका E1 होगा। अब देखो E1 में भी आपका कैसा होगा, एंटी एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगा। तो Br अगर आपका यहाँ है तो आपका कौन से पोजीशन से H निकलेगा, ये आपका हमेशा वेज पोजीशन वाला H को लेके जाएगा। तो यहाँ से वेज पोजीशन वाले H को लेके जाएगा, तो एक बार आपका डबल बॉन्ड किस तरफ बनेगा बच्चों, एक बार आपका डबल बॉन्ड आपका इस तरफ बनेगा, ठीक है, और एक बार आपका डबल बॉन्ड किस तरफ बनेगा, इस तरफ बनेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बने बच्चों, 4। आई होप कि आपको इंटीजर टाइप के क्वेश्चन भी काफी कुछ समझ में आ रहे होंगे, ठीक है बच्चों। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन हम यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम यहाँ पर, क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन के नंबरिंग की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखो यहाँ पर अगर आपका इस तरीके से रिएक्शन होगा, इस रिएक्शन का आपको प्रोडक्ट बताना है, Ag2O मॉइस्चर। आप जल्दी से बताओ बच्चों इसका प्रोडक्ट आपका क्या होगा, ठीक है। मॉइस्चर Ag2 के प्रेजेंट में आपका क्या होता है, ROH बनता है। तो फटाफट बच्चों अब यहाँ पर आपका कितनी डिग्री हेलोजन है, 2 डिग्री हेलोजन है। तो फटाफट यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखो 1 डिग्री होगा तो SN2 होगा, ठीक है। अगर 2 डिग्री हुआ तो SN1 लगाओ, यहाँ पर SN1 लगाते हैं, पोलर प्रोटिक हो गया ना बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका SN1 को फेवर करेगा, जब भी आपका Ag होगा बच्चों, ये बात ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर कर जाएगा SN1 को। तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, Br यहाँ से ग्रुप को लीव करेगा। नाउ फिर से आपका क्या होगा बच्चों, रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। फिर से आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा। अब देखो ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ठीक है। अब इसको नंबरिंग कर लेंगे हमेशा, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 6 मेंबर के आपके रिंग बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी बच्चों, 6 मेंबर के आपके रिंग बन गई। अब देखो इसको मैंने 1 लिया तो 1 पर आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, और इसको मैंने 2 लिया तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ये कार्बोकेटाइन आपका कितना है बच्चों, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब ये आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो अगर मैं इस कार्बोकेटाइन को 3 डिग्री में कन्वर्ट करना है, मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, 3 डिग्री में, तो यहां पर हाइड्रोजन होगा, तो यहां पर क्या होगा बच्चों, हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी। कौन सी शिफ्टिंग होगी बच्चों, यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी। जैसे ही यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के Ag2O मॉइस्चर की वजह से आपका कौन आके जुड़ जाएगा बच्चों, OH। तो यहां पर आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम मूव करते हैं यहां से। तो देखो अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा ये इस तरीके का था, ये आपका इस तरीके का कुछ है रिएक्शन, ठीक है, काफी इजी रिएक्शन होगा ये भी शायद से। देखो CH CH ट्रिपल बॉन्ड C-Na+, ठीक है। और यहां पर आपका प्रोडक्ट प्रोडक्ट आपका कितना है बच्चों, 80%, और यहां पर कितना हो जाएगा, 20%। दो प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों, ए और बी, एक आपका होगा 80%, एक आपका होगा 20%। तो 20% कौन सा होगा और आपका 80% कौन सा होगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। देखो यहाँ पर आपका हेलोजन कितने डिग्री है बच्चों, 2 डिग्री हेलोजन है, 2 डिग्री हैलाइड है। अब देखो 2 डिग्री हैलाइड है, और ये आपका न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज आपका बेस की तरह भी बिहेव करेगा। लेकिन मैंने आपको बताया था इसका बेसिक कैरेक्टर 2 डिग्री में इंक्रीज कर जाएगा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर से, ध्यान रखना हमेशा, एल्कलाइड्स का बेसिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज कर जाएगा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर से इन 2 डिग्री हैलाइड कंपाउंड में, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, अगर एक बार अगर ये आपका बेस की तरह बिहेव करेगा तो रिएक्शन में क्या करेगा, एलिमिनेशन कराएगा। रिएक्शन में क्या कराएगा, एलिमिनेशन कराएगा, और कौन सा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन कराएगा। और बीटा एलिमिनेशन कराने की वजह से यहाँ पर आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा, जो कि आपका कितना परसेंट होगा, 80%, ठीक है।
नाउ अगर ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, बीआर को सब्स्टिट्यूट करेगा, बीआर को क्या कर देगा बच्चों, सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो यहां पर बीआर को सब्स्टिट्यूट करेगा तो यहां पर सी ट्रिपल बॉन्ड सीएच, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका 20% बनेगा। बस इस बात का ध्यान रहे कि आपका एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दोनों आपका साथ साथ प्रोग्रेस होता है बच्चों, दोनों रिएक्शन आपके कैसे होते हैं बच्चों, साथ साथ आपके प्रोग्रेस होते हैं। तो बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अब हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 13, अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिएक्शंस इन विच पेयर द सेकेंड रिएक्शन इज मोर रिएक्टिव देन फर्स्ट इन SN1 रिएक्शन। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको ऐसा पेयर आपको ढूंढना है जिसमें सेकेंड वाला हमेशा ज्यादा रहे एज कंपेयर टू फर्स्ट। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों, ऑप्शन में है बच्चों Me3CCl रिएक्ट विद H2O। ठीक है, SN1 बोला है तो SN1 है, ठीक है, वरना हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता बच्चों। ठीक है, यहां पर Me3CBr, यहां पर आपका H2O, ये भी आपका SN1 है। ठीक है, नेक्स्ट बी ऑप्शन में क्या है बच्चों, Me3CCl रिएक्ट विद CH3OH, ये आपका SN1 है। ठीक है, और यहां पर Me3CCl रिएक्ट विद H2O, ये भी आपका SN1 है। ठीक है, सी ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों, यहां पर क्या होगा Me3CCl H2O, ये आपका 1 मोलर दिया है और यहां पर आपका SN1 है। ठीक है, और यहां पर क्या है Me3CCl, ये आपका कितना है 2 मोलर है। ठीक है, ये आपका क्या दिया हुआ है H2O, ये भी आपका SN1 दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट डी, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। अब देखो बच्चों ध्यान से समझेंगे कि क्या आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, देखो यहां पर फर्स्ट फर्स्ट जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, यहां पर Cl है, यहां पर Br है, तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी किसकी मैक्सिमम, इसकी मैक्सिमम, तो इसकी वजह से यहां पर रिएक्शन कौन फास्ट देगा, ये वाला देगा। ठीक है, फर्स्ट हमने निकाल लिया। सेकंड में देखो न्यूक्लियोफाइल अलग है, और लास्ट लेक्चर में मैंने न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्वेश्चन कराया था, क्या कराया था बच्चों, CH3OH आपका अच्छा एसिड होता है इस कंपेयर टू H2O, तो अगर मैं इसकी यहां पर देखो तो बेसिक स्ट्रेंथ किसका मैक्सिमम होगा, OH- का, तो OH- आपका अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी की वजह से ये आ जाएगा। नेक्स्ट सी में देखो ये 1 मोलर है, ये 2 मोलर है, और अकॉर्डिंग टू SN1 रिएक्शन क्या होता है बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो आपका SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी बढ़ेगी, तो आपका ये हो जाएगा। तो यहां पर आपको क्या लगता है, ऑल आर करेक्ट, मतलब तीनों में आपका सेकंड वाला आपका मैक्सिमम है एज कंपेयर टू फर्स्ट। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखते हैं यहां पर, क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवार्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रिएक्शन ठीक है, अब देखो इसमें इसमें जो पहला है, पहले का ए पार्ट लिख देता हूँ बच्चों, में CH2 डबल बॉन्ड CH Cl,
सी सिक्स एच फाइव सी एल सी सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी ए डबल बॉन्ड सी एच सी एल डी यहाँ पर सी एल सी एच टू डबल बॉन्ड सी ए डबल बॉन्ड सी एच टू और यहाँ पर सेकंड पार्ट लिख देता हूँ बच्चों में, ये आपका यहाँ पर सी एल और यहाँ पर सेकंड ऑक्सीजन, ये आपका यहाँ पर सी एल। आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ए ये हो जाएगा और ये बी। अब दोनों में आपको बताना है मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है, ठीक है। तो देखो पहला जो ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर भी आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा रेजोनेंस के थ्रू, तो यहाँ पर भी आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। यहां पर भी आपका क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर भी आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, लेकिन यहां पर आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आ रहा है, यहां पर सिंगल बॉन्ड है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव इन चारों में कौन सा होगा बच्चों, डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट में अगर मैंने यहां पर सीएल निकाला तो यहां पर प्लस चार्ज, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज, यहां से सीएल निकाला तो यहां पर प्लस चार्ज, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक रिंग है, ठीक है, साइक्लिक रिंग है 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, और ये कितने के साथ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ है। देखो तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, एरोमेटिक, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, एंटी एरोमेटिक। तो दोनों में से कौन ज्यादा होगा बच्चों, बी वाला। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरमीडिएट आपको स्टेबल करना रहता है बच्चों, हर क्वेश्चन में आपको इंटरमीडिएट को स्टेबल करना होगा। तो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा बच्चों, यहां पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द रिएजेंट दैट विल येल्ड द ग्रेटर अमाउंट, ग्रेटर अमाउंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन ऑन रिएक्शन विद CH3 CH2 Br, ठीक है। यहाँ पर ए ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों, काफी इजी है, CH3 CH2 ओके, एन DMF डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है, और बी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों, CH3 थ्राइज ओ माइनस के इन डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको कौन सा आपका प्रोडक्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट कहाँ आपका मैक्सिमम बनेगा, ये आपको बताना है, काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बल्किनेस। अब देखो बल्किनेस बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी, तो यहां पर बल्किनेस आपका ज्यादा है तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी और इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब मैं बता देता हूं, अगर ये होगा तो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, इस चीज का ध्यान रखना, अगर ये होगा तो एलिमिनेशन होगा और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस आपका हो जाएगा, तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान रखोगे बच्चों आप लोग, ठीक है। आई होप कि आपको आज मैंने जितने क्वेश्चन कराए होंगे सारे आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एल्कोहल फिनोल ईथर को स्टार्ट करेंगे और एक बार आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लीजिए, आई होप कि आपको अच्छे से आपका एग्जाम जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।